गुड मॉर्निंग लवली पीपल। सो आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी जो कि बहुत ही एप्ट है इस ठंडे वेदर के लिए। तो उसके लिए जैसा कि आपने देख ही लिया कि हमने लिए बहुत सारे नट्स, लिया है देसी घी और इसे हम बनाएंगे आटे और बेसन को मिला के। सो विल टेक हाफ द क्वांटिटी ऑफ व्हीट, हाफ द क्वांटिटी ऑफ बेसन इन दिस। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया है एडिबल गम, जिसे हम हिंदी में गूंद भी कहते हैं। उसे हम देसी घी में फ्राई कर लेंगे। गम जो है वो देसी घी में डालते ही फूलने लगती है और बहुत ही क्रंची हो जाती है। तो अब हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। गूंद जो है इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल ऑफ विच जो आपकी बोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इसी घी में हम फ्राई कर लेंगे बाकी के नट्स। मैंने यहाँ पे लिए हैं सनफ्लावर सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स। दे आर रियली अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3। इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल सिम टू मीडियम हीट पे इसे रोस्ट करना है ताकि इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटैक्ट रहें। हम रोस्ट यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि ये नट्स जो हैं वो बहुत ही क्रंची रहें। तो 2 से 4 मिनट तक मीडियम हीट पे, सिम टू मीडियम हीट पे इसे रोस्ट करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब उसी घी में हम डाल देंगे अपना गेहूं का आटा जो कि हमने लिया है 1 कटोरी, और उसे 2 से 4 मिनट तक सिम टू मीडियम हीट पे हम रोस्ट करेंगे। सो जी यहाँ पे मैंने जो घी लिया है वो अंदाजे से लिया है। कंसिस्टेंसी जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें बिल्कुल ऐसी ही रखनी है। क्योंकि हमें अभी इसमें बेसन ऐड करना है तो हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे, तो कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी थिक ही रखनी है। आप घी को एडजस्ट करते रहें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट और एज़ पर क्या क्वांटिटी आपने आटे की ली है। अब हम डाल देंगे जी इसमें बेसन और इसे भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो जी वैसे तो ये लड्डू पूरे व्हीट में बनाए जाते हैं पर हम इसमें डाल रहे हैं बेसन टू मेक इट इवन मोर हेल्दियर। तो देखिए कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसे हम पूरा टाइम चलाते रहेंगे और जो भी इसमें लम्स फॉर्म होंगे उसे हम तोड़ते रहेंगे ताकि जो है ये अच्छे से भुन जाए। अब आप देख सकते हैं द फ्लोर हैज स्टार्टेड कमिंग टुगेदर। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने लगा है, अब इसमें लम्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। ये जैसे जैसे भुनता जाएगा जो घी है वो रिलीज होता जाएगा और लम्प फॉर्मेशन जो है वो कम होती जाएगी एंड द टेक्सचर जो है वो स्मूथ होता जाएगा। सो वाइल हमारा सिम पे आटा भुन रहा है, हम यहाँ पे हमारे नट्स जो हैं वो ठंडे हो गए हैं, हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे पाउडर कर लें, आप चाहें तो इसे थोड़ा दरदरा रखें। मुझे थोड़ा दरदरा पसंद है बिकॉज वो क्रंच मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे थोड़ा सा दरदरा पीसूँगी। तो इसे धीरे धीरे चला के आप पीसें ताकि ये बहुत ज़्यादा पाउडर ना हो जाए। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो ये नट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। आइए चेक करते हैं हमारा आटा, वो भी ऑलमोस्ट देखिए कैसा क्रीमी एंड विदाउट लम्स हो गया है। इट हैज़ कम टुगेदर सो वेल। आप देख सकते हैं इसमें से घी भी रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो आटा है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। इट विल बी क्रीमी एंड गुई इन द एंड, दैट्स हाउ यू कम टू नो कि ये जो है वो पक चुका है। अब हम ऐड करेंगे इसमें नट्स का मिक्सचर। आप देख सकते हैं कि नट्स की क्वांटिटी जो है वो आटे से बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल द क्वांटिटी है।
बिकॉज हम ये जो बना रहे हैं वी वॉन्ट टू कीप इट एज हेल्दी एज वी कैन, सो हमने जो है वो फ्लोर की क्वान्टिटी कम रखी है, नट्स की क्वान्टिटी ज़्यादा रखी है. अगेन विल आफ्टर एडिंग द नट्स हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए सिम सेक पे अच्छे से भून लेंगे. जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा हम इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे. हल्का ठंडा होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर. मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट पाउडर्ड शुगर ली है. शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. कुछ लोगों को लाइट मीठा पसंद है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है. अकॉर्डिंगली आप शुगर इसमें ऐड करें, आप टेस्ट करते रहें. अगर आपको लगे कि शुगर कम है आप इसमें और ऐड कर लें. अब हम स्टार्ट करेंगे बनाने इसके लड्डू. थोड़ा थोड़ा आटा हाथ में लेते रहें एंड उसको रोल करते रहें. एंड लीजिए आपके हेल्दी घर पे बने हुए नट्स लोडेड लड्डू जो हैं वो तैयार हैं. एंड इट्स परफेक्ट परफेक्ट रेसिपी फॉर दिस विंटर. डू इट वन इन अ डे एंड कीप एवरी डिजीज अवे. इट इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम, इट्स वेरी गुड फॉर योर बोन्स. डू ट्राई एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट. थैंक यू.